ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में तथा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर समाज सेवा प्रभाग द्वारा जनपद में 5 दिवसीय स्वर्णिम भारत निर्माण का सेमिनार दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन हॉल में मुख्य अतिथि प्रोफेसर अजय सिंह तथा अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया, जिसके संबंध में वाराणसी मंडल के पब्लिक प्रभारी ब्रह्म कुमारी विपिन भाई ने बताया कि यदि हमारा मन शांत स्थिर और प्रसन्न है तो हम स्वस्थ एवं संपूर्ण बन सकते हैं और यह दुनिया हमारे लिए बेहतर हो इसकी हमें ज़रूरत है। शारीरिक व्यायाम की तरह मानसिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक व्यायाम सीखने को हम अपने मन को मित्र बना दें, अपने मन की भाषा को समझकर मन से बात करें तो वह हमारी बात को समझेगा और वही संकल्प करेगा जो हमारे लिए बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि हमें सफलता प्राप्त करने के लिए अनेक चुनौतियों एवं समस्याओं का सही समाधान ढूंढ आगे बढ़ना होगा तथा स्वयं के प्रति सकारात्मक एवं बेहतर सोच हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल सकती है। इस अवसर पर बीके शशांक शेखर सिंह, सूरज भाई, सोमनाथ भाई, बीके बेला देवी, बहादुर भाई सहित विश्वविद्यालय के अनेकों प्रोफेसर एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वाराणसी मंडल के पब्लिक प्रभारी ब्रह्म कुमारी विपिन भाई ने कहा, संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन टॉपिक पर भी हम जाएंगे। हम लोग 1 मिनट साइलेंस में खड़े होंगे, खास उन सभी हमारे स्वतंत्रता सेनानी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए, और उसके बाद वर्तमान समय पर जो देश की रक्षा और सुरक्षा कर रहे हैं उनके लिए अपना आभार व्यक्त करते हुए आज का ये सेशन हम प्रारंभ करेंगे। कैन यू ऑल स्टैंड इन साइलेंस फॉर 1 मिनट। जी, मेरा नाम ब्रह्मा कुमार विपिन भाई, ब्रह्मा कुमारी मीडिया एवं पब्लिक रिलेशन प्रभारी बनारस। जी, आज गोरखपुर विश्वविद्यालय में यह कार्यशाला का आयोजन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के समाज सेवा प्रभाग द्वारा समाज के हर वर्ग के हर स्तर के उन लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें आध्यात्मिक और सामाजिक हिसाब से संबल बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जो समाज में ऐसे लोग हैं जो केवल आर्थिक रूप से नहीं, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक या आध्यात्मिक रूप से भी विपन्न हैं, जो कमज़ोर हैं,
उन्हें कैसे हम उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं, उनके मनोभाव में परिवर्तन लाएं, उनके संस्कारों का दिव्यीकरण करें और समाज को एक बेहतर समाज बना सकें। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का समाज सेवा प्रभाग का यह मानना है कि केवल व्यक्ति को हम कुछ पल के लिए भोजन अन्न वस्त्र आदि उपलब्ध करा दें, यही समाज सेवा नहीं है, बल्कि उसको हम इतना सुयोग्य बना दें कि वो अपनी व्यवस्था खुद अपने करने के काबिल हो जाए। तो इस प्रकार उसके जीवन स्तर को आंतरिक रूप से उठाना, उसकी मनोभावनाओं में परिवर्तन लाना, क्योंकि भावनाओं में या संस्कारों में परिवर्तन लाए बिना व्यक्ति का परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए बाह्य रूप से नहीं, आंतरिक रूप से उसको सशक्त बनाना, सकारात्मक बनाना, यही इस अभियान का लक्ष्य एवं उद्देश्य है। उसी के तहत ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के समाज सेवा प्रभाग ने आज़ादी के स्वर्णिम महोत्सव के उपलक्ष्य में एक विशेष अभियान, जिसको आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर नाम दिया गया है, उसका आयोजन किया है। और उसके तहत ब्रह्मा कुमारी ने यह लक्ष्य रखा है कि देश भर में 10,000 से अधिक अभियान, कार्यक्रम, कार्यशाला, गोष्ठियों के द्वारा 10 करोड़ से अधिक लोगों के अंदर आध्यात्मिकता का एक नवीन परिवर्तन लाएं, उन्हें संदेश दें और सकारात्मक परिवर्तन की पहल करें। तो उसी के तहत गोरखपुर में यह 5 दिवसीय अभियान का आज शुभारंभ है, आज उद्घाटन समारोह है, जो हम सभी मिलकर इस दीक्षा भवन में आज कर रहे हैं।